तो ये है अमलतास का पेड़, और इसको पीले पीले देखिए फूल लगते हैं। और ये हमारे गार्डन में लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़। और ये शहतूत का पेड़ है, ये फिर से अमलतास का पेड़ आ गया हमारे घर के पास। तो आज मैंने कहा कि आपको अपने घर के पास जो गार्डन है वहाँ का दिखाता हूँ। और ये भी शहतूत का पेड़ है, और साथ में ये हमने लगाया हुआ है एक जो कदम्ब का वृक्ष है वो भी लगा हुआ है हमारे यहाँ। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके येलो येलो फ्लावर आते हैं इसको। और ये है कदम्ब का पेड़, तो ये शहतूत का वृक्ष है। अभी तो शहतूत नहीं लगे क्योंकि निकल गए हैं, शहतूत अब खाली हैं। ये रबड़ प्लांट का है, इसको रबड़ प्लांट बोलते हैं। और ये पीपल का पेड़ आ गया हमारे गार्डन में। तो मेरे पीछे से भी आप व्यू देख सकते हैं, ये पीपल का पेड़ है हमारे गार्डन में लगा हुआ। तो ये देखिए ये अमलतास के पेड़ों में अब फूल लग गए हैं येलो येलो, बहुत अच्छे लगते हैं दूर से। और ये जामुन का पेड़ लगा हुआ है, ये जामुन का पेड़ है। ये अमरूद का पेड़ आ गया, ये नीम का पेड़ लगा हुआ है। इनमें से काफ़ी पेड़ है जो है वो मैंने लगाए हुए हैं खुद। और ये आ गया सिल्वर ओक, ये सिल्वर ओक बहुत शाइन करता है, इसके पत्ते मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो इस प्रकार होते हैं ये, जब सूरज की रोशनी बढ़ती है तो ये चमकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये फिर से आ गया अमलतास का पेड़ और पीपल का पेड़। अब वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारे घर के सामने पार्क है उसका व्यू है। तो आज मैंने कहा आपको दिखाऊं। तो कुछ ऐसे होते हैं ये पेड़ों के पत्ते। तो ये है एक और पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और ये केले का पेड़ लगा हुआ है हमारे गार्डन में। सब मैंने ही लगाए हैं, तो इसको तो केले भी लग गए हैं, बहुत शानदार केले लगे हैं। और ये रबड़ प्लांट आ गया, तो ये एक अमलतास का पेड़ है, इसको देखिए फूल लगे हैं बहुत सुंदर सुंदर, पूरे येलो हो जाते हैं इस टाइम। सारे नीचे भी अच्छे से येलो हो गया, वो दूर दूर तक लगे पेड़ जरूर लगाए गर्मी में। ये है आंवले का पेड़, ये आंवले का पेड़ है, तो ये बहुत अच्छा ग्रो हुआ। छाया देखो इसकी कितनी। और ये है अमलतास का, मैं आपको पास से दिखाता हूँ अमलतास का पेड़। तो ऐसे होता है फूल, देखिए तो ऐसे लगते हैं फूल। और आज धूप कम थी तो मैंने कहा थोड़ा बाहर का चक्कर लगाएं। तो ये हमारा गार्डन है जिसमें अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं, फ्लावरिंग हुई हुई है। और ये देखिए पूरा भरा पड़ा है, अरे मोर पंख आ गया। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।